बिहार में माता दुर्गा के दिव्य शक्तिपीठों के बारे में कितना जानते हैं आप? दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच श्रद्धालु शक्ति की पूजा की तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में पूरे नवरात्र में बिहार के देवी स्थानों पर भक्त पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। बिहार में भी दुर्गा पूजा के दौरान बड़ी श्रद्धा से श्रद्धालु इन शक्तिपीठों में पहुंचते हैं। सनातन धर्म के अनुसार मान्यता है कि जहां सती देवी के शरीर के अंग गिरे वहां वहां शक्ति पीठ बन गई। बिहार में 10 ऐसे जगह मौजूद हैं जिसे शक्ति पीठ माना जाता है। आज हम 10 शक्तिपीठों की धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानते हैं। अनुसार सती के शरीर की दाहिनी जंघा महाराजगंज में गिरी थी और उत्खनन में मिली महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की 3 प्रतिमाएं यही रखी गई है। बताया जाता है कि बड़ी पटन देवी में भैरव और शक्ति देवी सर्वानंदकारी की भी पूजा की जाती है। बड़ी पटन देवी स्थान को दिया गया नाम है और पटन देवी की सभी प्रतिमाएं काले पत्थर से निर्मित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार छोटी पटन देवी भी एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और यह बड़ी पटन देवी से 3 किलोमीटर दूरी पर हाजीगंज क्षेत्र में स्थित है। पौराणिक कथाओं व मान्यताओं के अनुसार देवी सती का पट और वस्त्र यही गिरे थे। बताया जाता है कि जहां वस्त्र गिरा था वहां एक मंदिर बनाया गया और महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित की गई। मंदिर परिसर के पश्चिमी बरामदे के कुएं को ढक दिया गया है और उसे वेदी में बदल दिया गया है। राजधानी पटना स्थित बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी से थोड़ी ही दूरी पर बिहार शरीफ से पश्चिम एकंगर सराय मार्ग पर मगरा गांव में पुराना शीतला मंदिर बहुत महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। बताया जाता है कि यहां सती के हाथ का कंगन गिरा था। मान्यता के अनुसार पटना के अगमकुआं स्थित शीतला मंदिर में जल चढ़ाने से कई बीमारियों का दूर हो जाती है। मंदिर के पश्चिम दिशा में एक प्राचीन कुआं है, इसी कुएं में मां शीतला की प्रतिमा मिली थी। शक्तिपीठ के दर्शन को दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गया बोधगया मार्ग पर भस्मकुट पर्वत के ऊपर मां मंगला गौरी मंदिर एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि यहां देवी सती का स्तन गिरा था। बताया जाता है कि यहां महालक्ष्मी देवी का स्वरूप है। इस पीठ को साधुओं द्वारा पालन पीठ के नाम से जाना जाता है। 1350 ई में माधवगिरी दंडी स्वामी द्वारा निर्मित अखंड ज्योति इसके गर्भगृह में जलती रहती है। मनुष्य अपने जीवन काल में इस शक्तिपीठ पर अपना श्राद्ध कर्म करा सकता है। इस मंदिर परिसर में विभिन्न देवताओं की मूर्तियां हैं। नवादारों को आकोल मार्ग पर रूपो गांव में स्थित चामुंडा मंदिर एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। धार्मिक मान्यता है कि देवी सती का सिर कट कर गिरा था। इस मंदिर में देवी चामुंडा की एक पुरानी मूर्ति है। हर मंगलवार को यहां भारी भीड़ उमड़ती है। चामुंडा मंदिर से पश्चिम दक्षिण एक प्राचीन गढ़ पर स्थित शिव मंदिर में प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार चंडमुंड के वध के बाद देवी दुर्गा ही चामुंडा कहलाई। मां चंडिका स्थान मुंगेर में गंगा तट पर मां चंडिका देवी के मंदिर को शक्तिपीठ का दर्जा प्राप्त है। कहते हैं कि यहां माता सती की दाहिनी आंख गिरी थी। उग्रतारा स्थान सहरसा से 17 किलोमीटर दूर महिषी में उग्रतारा शक्तिपीठ है। मान्यता है यहां देवी सती की बाई आंख गिरी थी। धीमेश्वर स्थान पूर्णिया के बनमनखी प्रखंड के धीमेश्वर स्थान में छिन्नमस्ता देवी का मंदिर है। यह शक्तिपीठों में शुमार है। अंबिका भवानी सारण छपरा पटना मुख्य मार्ग पर आमी स्थित अंबिका भवानी मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है। मां ताराचंडी रोहतास सासाराम से करीब 6 किमी दूर कैमूर पहाड़ी की गुफा में मां ताराचंडी मंदिर है, जो देश के 51 शक्तिपीठों में एक माना जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये माता दुर्गा के दिव्य शक्तिपीठों का आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।